हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज है मेरे पास दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्ट टीवी, और इसे मैंने टेस्ट भी किया है, और इसकी प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा स्मार्ट टीवी है। और इसकी प्राइस है 9,000 रुपये, यानी कि आपको 9,000 रुपये में ये फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसे ऑफ़र में 8,100 रुपये में मंगाया था, तो मेरे लिए तो ये 8,000 रुपये के बराबर का पड़ गया था। और इसे मैंने काफ़ी टेस्ट भी किया और मुझे ये जो स्मार्ट टीवी है काफ़ी अच्छा लगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टीवी का एक बढ़िया सा अच्छा सा रिव्यू देने वाला हूं, तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखना, और हो सके तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूं इस टीवी के बारे में। ये जो टीवी है ये इन्फिनिक्स की तरफ से आता है। इसका नाम रखा गया है इन्फिनिक्स स्मार्ट टीवी Y1, और इसके अंदर आपको लिनक्स OS देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एंड्रॉयड का सपोर्ट नहीं दिया गया है, उसके बजाय लिनक्स का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस है काफ़ी कम हो गई है। और इसके अंदर आपको रैम मिल जाती है 512 MB की, और रोम मिल जाएगी 4 GB की। इसमें आपको क्वाड कोर का अच्छा खासा प्रोसेसर दे रखा है, और इसका जो डिस्प्ले है वो आता है 32 इंच का HD डिस्प्ले, और ये जो डिस्प्ले है काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको 20 वाट के डॉल्बी एटमॉस के डुअल स्पीकर भी नीचे की तरफ मिल जाएंगे, जो कि बॉक्स स्पीकर इसे नाम दिया गया, यानी कि ये जो स्पीकर का जो सेटअप किया गया है वो बॉक्स के जैसा किया गया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छा साउंड आउटपुट देखने को मिले। इसमें आपको जो भी स्मार्ट टीवी के अंदर जितने भी पोर्ट होने चाहिए वो सारे पोर्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसमें कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सारे ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ ब्लूटूथ का सपोर्ट इसमें नहीं दिया गया है। इसमें आपको वाईफाई या फिर आप चाहो तो केबल लगा के भी इसमें नेट चला सकते हो। इसमें आपको 3 HDMI का पोर्ट और 2 USB पोर्ट, इसके अलावा और भी बहुत सारे पोर्ट इसमें देखने को मिल जाते हैं। और इसके टीवी के जो कंट्रोल है वो पीछे की तरफ दिए गए हैं, और ये जो टीवी है काफ़ी हल्का है। अगर आप इसे हाथ में उठा के देखोगे तो यह काफ़ी हल्का टीवी महसूस होगा। अगर आप इसे अपने रियल लाइफ में यूज़ करोगे तो आप सोचोगे कि इतने कम रुपए में इतना अच्छा स्मार्ट टीवी कैसे मिल सकता है। लेकिन मेरी मानो तो ये जो स्मार्ट टीवी है काफ़ी अच्छा स्मार्ट टीवी है। अगर आपका बजट 10,000 से नीचे का है तो इसे आप ज़रूर से खरीद सकते हैं। तो मैं पहले आपको एक छोटा सा साउंड का सैंपल सुना देता हूँ, आप खुद सुन के देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, इसका जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा है, और हो सकता है अभी वीडियो के अंदर इतना अच्छा आउटपुट आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन आप रियल लाइफ में इसका जो साउंड है उसको सुनोगे तो काफ़ी अच्छा सुनने को मिलेगा। और आप एक ये वीडियो सैंपल भी देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, इसका जो वीडियो क्वालिटी है, वीडियो आउटपुट है, वो भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छे जो कलर्स है वो प्रोड्यूस करता है। अगर आपको ये जो स्मार्ट टीवी है 10,000 की प्राइस में भी मिल जाए तो आप बेझिझक इसे ले सकते हैं। इसकी प्राइस के हिसाब से आपको इसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर बात करें दोस्तों इस टीवी के साथ क्या मिल जाएगा, तो इसके साथ आपको मिल जाता है एक स्मार्ट रिमोट, एक वॉल माउंट का सेटअप, और एक टेबल पर रखने के लिए 2 स्टैंड भी देखने को मिल जाएंगे। और तो यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पर जाके इसे जरूर से खरीद सकते हैं। और इस वीडियो को तो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।